मुझे इस बात का बहुत बार मैसेज आया है कि पेट में दर्द होता है, तो उसके लिए हमें कोई ऐसा बताएं कि जिससे हमें पेट में दर्द नहीं हो। तो मैंने एक अपना घरेलू नुस्खा बता रही हूँ। ये मैंने इस तरह से रोटी बना ली है, इस तरह से मैंने इसकी इस तरह से इतना बड़ा गोला लिया था। आप कहेंगे इतनी बड़ी रोटी कौन खाएगा? आप एक ही रोटी खाएंगे, आपका पेट का दर्द, लूज मोशन, जो भी परेशानी होगी वो सही हो जाएगी। इस पे हम डालेंगे एक चम्मच, इस तरह गरम गरम रोटी पे डालेंगे एक चम्मच घी डालेंगे। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था आटे में, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। इस रोटी को आधा कच्चा और आधा पक्का, और इस तरह से इसको इस तरह से मसल मसल के चूरमा बना देते हैं। इस तरह से चूरा बन गया। अब हम इसका गोल पेड़ा बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा घी डाल के, जिससे अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। पेड़ा बना के हम इसकी छोटी सी रोटी बनाएंगे, और उसको हम हमने पराठे को डाल दिया तवे पर, और इसको आराम से इसको पलटेंगे। टूटे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने घी इसमें अच्छे से डाला शुद्ध, तो वो टूटने का थोड़ा चांस होता है। कम घी डालेंगे तो टूटेगी नहीं, लेकिन हमें ना ये बढ़िया बनानी है इस तरह से। इसमें इसकी खासियत है काला मिर्ची, जीरा और शुद्ध घी, और आधी कच्ची और आधी पकी। ये हमने एक पराठा बनाया है, इससे खाने से पेट का दर्द, लूज मोशन ठीक हो जाता है। ये एक ही पराठे से सही हो जाएगा, और दही के साथ खाएं तो भी अच्छा है, नहीं खाएं तो भी। इसको बनाने की खासियत ये है, पहले इसको सादी रोटी बनाती हैं, फिर आधी कच्ची आधी पक्की बनाती हैं, पूरी पक्की नहीं बनाती है।